दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं क्राइम जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लोगों ने एक इंजीनियर को 20 लाख रुपए से चूना लगा दिया। समय समय पर रकम लेते गए और जब नौकरी की बात आई तो भाग निकले। अजनी पुलिस ने LIG कॉलोनी निवासी उदय हरिभाव उमरकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपियों में अजनी रेलवे क्वार्टर निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी और कोलकाता निवासी रशीद आलम का समावेश है। उदय इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निजी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। नवम्बर 2018 से परिचित ड्राइवर के जरिए उदय की पहचान अजनी रेलवे क्वार्टर में रहने वाले राजेंद्र से हुई। राजेंद्र ने बताया कि वह चाहे तो सेंट्रल रेलवे में अभियंता की नौकरी मिला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। उदय ने आरोपियों को 20 लाख रुपए दिए। धोखाधड़ी होने पर उदय ने मामले की शिकायत अजनी पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। ओल्ड कामठी पुलिस ने रविवार की शाम गोपनीय जानकारी के आधार पर एक फार्म हाउस पर छापा मारा। फार्म हाउस के मालिक सहित 22 जुवारी ताश पत्तों पर बाजी लगाते पकड़े गए। ज्यादातर आरोपी पाचपावली और तहसील थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों में यशोदीप कॉलोनी निवासी सौरभ राम प्रताप गुप्ता, लश्करीबाग निवासी मुख्तार खान, मोहम्मद जुबेर अब्दुल अजीज उर्फ समीर, सागर सुरेश शेंद्रे, बबलू सिप्पा बक्सरे, शहीद शौकत अली शेख जावेद, वसीम बशीर खान, यूनुस अहमद खान, शेख अकरम, शेख शाहरुख, टिमकी निवासी अशरत खान, कासिम इख्तियार खान, मोहम्मद अफसर, सुभाष नगर पारडी निवासी शेख मोसिम, मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद गुरफान, अदनान ग्यासुद्दीन खान, नाल साहिब चौक निवासी जिया इकबाल खान और वसीम शकीब अहमद, मोहम्मद शहबाज खान और वैशाली नगर निवासी रंजीत सीताराम सहारा का समावेश। और क्राइम न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जिन्होंने 20 सालों से अपनी शुद्धता और विश्वास से पूरे गोपाल नगर और नागपुर को चार चांद लगाए हैं, वो गोपाल नगर के मांगलकर ज्वेलर्स लाए हैं बेशकीमती डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 10,000 रुपए से शुरू। साथ ही पाइए BIS हॉलमार्क वाली डायमंड ज्वेलरी, डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी और लेटेस्ट फैशन वाली डायमंड ज्वेलरी का वेडिंग एंड फेस्टिव कलेक्शन। आपका चहिता मांगलकर ज्वेलर्स, तीसरा बस स्टॉप नागपुर, तो चलो गोपाल नगर। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। आवर एड्रेस कॉफी हाउस बिल्डिंग गोकुलपेट नागपुर। कॉन्टैक्ट अस 9923446062 और 9373108414। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए RO एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही RO नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए RO नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ NADP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78 ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712-2295-365 और 7447-443370 एंड 7745-04-2520।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं क्राइम जगत की अगली खबर। एक महिला ने लोन दिलाने का झांसा देकर वृद्धा के साथ धोखाधड़ी की। शांतिनगर पुलिस ने पाचपावली निवासी तारा शिवरायन हेडाऊ की शिकायत पर मामला दर्ज किया। तारा रविवार को दोपहर 2 बजे के दौरान लालगंज झाड़े चौक परिसर में सब्जी खरीदने गई थी। वहां अंदाजन 35 साल की उम्र की महिला उसके पास आई। उन्होंने बताया कि कोविड की वैक्सीन लेने वाले वृद्धों को सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं। उन्हें अपने झांसे में लिया, ई रिक्शा में साथ चलने को कहा। रास्ते में आरोपी महिला ने बताया कि बैंक में वृद्धों के लिए विशेष स्कीम चलाई जा रही है, उन्हें बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा है। उसने तारा से सोने के गहने उतरवा कर रखने को कहा। आरोपी महिला इसके बाद गायब हो गई। तारा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और शांतिनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इथेरियम नामक रशियन क्रिप्टो करेंसी की पैसा निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर सैकड़ों लोगों को चुना लगाने वाले ठग निषेध वासनिक सहित 8 आरोपियों की पुलिस हिरासत 4 मार्च तक बढ़ाई गई। पुलिस ने महिला आरोपियों को भी MPID के विशेष न्यायाधीश साल खंडे के अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों महिलाओं को जेल रवाना कर दिया। ज्ञात हो कि लंबे समय से इस फरार गिरोह को पुलिस ने पुणे के लोनावला से गिरफ्तार किया था। सोमवार को दोबारा सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। महिला आरोपियों की न्यायिक हिरासत मांगी, जबकि अन्य 8 आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की गई। क्राइम न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए RAO एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही RAO नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए RAO नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NADP सैंक्शन्ड। हमारा पता, प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 07122295365 और 7447443370 and 7745042520।